अब हमारा ये काम इसके ऊपर बेल्ट लगाना रह गया। हम बेल्ट लगाएंगे और मैंने इस बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो हमारे बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है अपनी जो हमारी इलास्टिक है उसके अकॉर्डिंग। और इसकी जो लंबाई है जो जितना ये हमारा घेर आया है मैं अभी आपको करके बताती हूँ। ये जितना हमारा घेर आया है उसके हिसाब से रख लिया है। तो ये जैसे ये हमारा डबल है तो मैं इसको डबल ही नाप रही हूँ। ये देखिए 27 है, इसको हमने अब डबल कर लिया तो ये कितना हो गया हमारा 54 हो गया। 54 हो गया तो मैंने अब इसकी जो लंबाई है वो 54 है और चौड़ाई इसकी 3 इंच काटी है। चलो इसको हम जोड़ते हैं। इसकी पूरी टोटल गुलाई हमारी 54 आई थी, उससे मैंने इसको 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखा है। वो इसलिए कि अगर हमारा कम या ज़्यादा बढ़ गया तो हमें काटना ईजी रहेगा। अगर हमारा कम हो जाता है ये बेल्ट तो हमें बार बार फिर जॉइंट लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा 54 से काटा है। अब क्या करेंगे कि जो ये हमारे प्लाजो की सीधी साइड है तो और इसको हम अपने उल्टी साइड से लगाना शुरू करेंगे और ये पलट के हमारी सीधी साइड को आएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम पहले इतना हिस्सा 1 या 1.5 इंच का इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद यहाँ पे हम सिलाई नहीं करेंगे, सिलाई हम 1-1.5 इंच के बाद शुरू करते हैं। ऐसे हम इसको ऐसे अपने पूरे राउंड में सिल लेंगे और जहाँ से हमने सिलना शुरू किया था और हमने 1-1.5 इंच की सिलाई छोड़ी थी, जिस टाइम वहाँ पे आएंगे फिर बताती हूँ वहाँ पे क्या करना है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ से हमने आपको बोला था ना पहले कि ये हमने 1.5 इंच की सिलाई छोड़ी हुई है, तो अब हम इसको थोड़ा यहाँ पे भी इतना 1.5 इंच की सिलाई छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद अब हम इस मशीन को यहाँ से उतार लेंगे। उतारने के बाद अब हम बेल्ट को ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ऐसे इसको ऐसे मिलाते हुए जाएंगे और इसको ऐसे मिलाते हुए आएंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद जो ये हमने छोड़ा था कपड़ा इसको भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप करने के बाद हम इसको नाखून की सहायता से हेल्प से इसको यहाँ पे एक क्रीज लाइन बना लेंगे। जो हमारी क्रीज लाइन बनेगी हम उसके ऊपर ये सिलाई करेंगे। ये देखिए ये हमारी क्रीज लाइन बनी है, मैंने चौक से निशान लगा दिया है और इसमें भी हमारी ये क्रीज लाइन किस निशान बना है। अब इन दोनों निशानों को ऐसे हम सिल लेंगे। सिलने के बाद जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, मैंने आपको बोला था मैंने अपना कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, इसकी कटिंग करेंगे आप। इसकी कटिंग करने के बाद फिर से अब हम इसको देखेंगे कि ये देखिए हमारी यहाँ पे एकदम बिल्कुल बराबर आ गई है। अब हम इसको फिर दोबारा से ऐसे जो हमने छोड़ा था वहीं से इसको सिल के पक्का करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने जॉइंट लगाए थे इसको पक्का कर लिया था। अब पक्का करने के बाद अब हम अपने ये वाली सिलाई है इसको प्रेस स्टिच देके दबाएंगे और जो ये हमारा मार्जिन है हमारी बेल्ट की तरफ होना चाहिए, प्लाजो की तरफ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसको बेल्ट की तरफ करेंगे। हमने इसको प्रेस स्टिच देके देखिए पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद हम इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट करेंगे और इलास्टिक इंसर्ट कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि जितनी हमारी कमर है पूरी हमारी टोटल राउंड में, जैसे कि हमने ऐसे राउंड में अपनी कमर ली है पूरी, तो जितनी हमारी राउंड में कमर है उसमें से कम हमें अपने 4 इंच इलास्टिक कम करके माइनस करके इसकी कटिंग करनी है। तो हमारी जो इसकी कमर है वो है हमारी 34, ऐसे हमारी 34 है। 34 में से अब हम इसको 4 इंच माइनस करेंगे तो कितना हुआ 1, 2, 3, तो ये हमारी हो गई 30। तो हम 30 इंच अपनी राउंड में बुकरम को वो इलास्टिक को तैयार करेंगे। ये देखिए अब हमने अपनी इलास्टिक को कटिंग कर लिया है और मैंने इसको 30 इंच तैयार करा है। तो अब हम इसको ऐसे स्टिच करेंगे, इसको जॉइंट करके इसको राउंड बनाएंगे। हमने स्टिच करके इसको पक्का कर लिया और एक हमने अपना राउंड तैयार कर लिया है। अब हम इसको अपनी बेल्ट के अंदर जोड़ेंगे और जैसे हम नॉर्मल जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे।
हम इस इलास्टिक के लास्ट एज पे आ गए हैं। अब इसको ऐसे हमने खींच के बंद कर देना है, बंद कर देंगे। अब हमारे इसके अंदर इलास्टिक भी डल के तैयार हो गई है। अब इसको ऐसे ऐसे हम करेंगे, चारों तरफ से इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे कि जिससे हमारी इलास्टिक के जो गैदर्स पड़े हैं, बल पड़े हैं, इक्वल हो जाएं, यानी कि एक बराबर हो जाएं। तो इसको हम चारों तरफ से ऐसे ऐसे घुमा के बराबर कर लेंगे। फिर उसके बाद में इसके बीच में एक सिलाई देंगे कि जिससे हमारी इलास्टिक फ्यूचर में अंदर से पलट ना जाए, घूम ना जाए। अगर ये घूम जाती है तो पहनने में बड़ी दिक्कत करती है, तो इसलिए अब हम इसके बीच में एक सिलाई देंगे। जब हम इसके बीच में सिलाई देना शुरू करेंगे तो जैसे हमारे ये गैदर्स आए हैं, इसके ऊपर सिलाई नहीं देंगे, बल्कि इसको ऐसे छोटे छोटे पोर्शन लेके, इतने इतने दो दो डेढ़ डेढ़ इंच का पोर्शन लेके इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे, यानी खींचेंगे। फिर जो हमारा ये प्लेन एरिया है, इसके ऊपर अब हम सिलाई करेंगे। और इधर भी हाथ से खींचना है, और हल्के हाथ से हमें पीछे की साइड भी, बैक साइड में भी खींचना है। देखिए इतना छोटा पोर्शन लेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ये देखिए अब हमने इसकी बीच की सेंटर की सिलाई देखे भी, इसको अब पक्का कर लिया है। अब अगर आपको मेरी यह छोटी सी एफर्ट पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप न्यू आए हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a nice day.